हेलो वीवर्स, यहाँ पर हम लोग बेबी नेक्स्ट स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक मीटर कपड़ा ले लिया हुआ है, तो इसलिए इस कपड़े को दो पार्ट में हम लोग रखेंगे। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये हमारे दो पार्ट का कपड़ा जो है, ये यहाँ पर हमारा ये 18 इंच है और ये हमारे यहाँ पर 41 इंच है, तो टू पार्ट में है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फोर पार्ट में कर देते हैं। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका, अगर नहीं देखते स्किप कर देंगे तो आपका ये बनना बहुत ही टफ हो जाएगा, पर मैंने बहुत इजी तरीका बताया है, तो आप लोग इसको पूरा वॉच करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड को हम लोग 1 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरा 1 इंच पे एक मार्क और करेंगे, ठीक है। ये हमारा 8 इंच पे भी एक मार्क है और इधर से भी आप देख सकते हैं ये हमारा 10 इंच है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग इस साइड को आ जाएंगे, तो यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग 11 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोनों को देखिए इस तरह से बॉक्स टाइप का बना देंगे और इसमें हल्का सा राउंड कर देंगे, इसको हल्का सा राउंड कर देना है। और यहाँ पर देखिए 8 8 इंच नापते हुए जाना है, फिर वो जो राउंड वाले पार्ट से है वहाँ पर अपना इंच रेप हम लोग रखेंगे और इसको भी राउंड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने राउंड कर लिया हुआ है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी राउंड वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको हमने निकाल दिया। तो आप लोग इस तरह से एक चीज़ और देख लीजिए, कपड़ा हम बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर नहीं था तो मैं यहाँ पर बराबर कर रही हूँ। तो 1 1 इंच पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है पूरा, और यहाँ पर आप लोग दूसरा मार्क करेंगे 2 इंच पे। देखिए इस तरह से हमें टोटल इस साइड से, मतलब जो किनारे वाले पार्ट से, हमें 2 2 इंच पर ही छोड़कर सिलाई लगानी है, पर दो पार्ट में लगानी है। अब इस साइड को भी हम लोग सेम तरह से मार्किंग कर देते हैं जैसे मैंने पहले करी थी, और इसको भी राउंड एक बार देख लेंगे। वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने 1 1 इंच पे मार्क किया था, इसी तरह से मैंने इधर भी 1 1 इंच पे मार्क कर लिया हुआ है। और इस तरह से अपने कपड़े को, यानी कि पूरा ओपन करेंगे, जैसे मैंने इस साइड को बनाया हुआ है, इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी पूरी मार्किंग कर लेंगे। आप देख लीजिए अच्छे से कैसे करना है। यहाँ पर हमें फोर पार्ट में ही रख के ही आपको मार्क करना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी मार्किंग गलत हो जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले हमें फोर पार्ट में रख लेना है, फिर मार्किंग करना है। यहाँ पर मैंने देखिए दूसरा कपड़ा ले लिया, ये भी हमारा 1 मीटर था और इसी तरह से मैंने इस पर भी कटिंग कर ली हुई है। तो अब हम इसको रख के आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पूरा बराबर है, आप देख लीजिए अच्छे से। और इस तरह से मैंने सेम कटिंग कर दी हुई है दोनों पार्ट में, ये हमारा टोटल 2 मीटर कपड़ा हो गया। अब मैंने इस तरह से एक स्टिप कटिंग करी थी, ये मैंने 1 इंच की ली है, और लंबाई आप ज़्यादा सी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स डाल के, यानी कि चुन जो होती हैं उसको डालना है हमें। फ्रिल यहाँ पे तैयार करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस सीधे वाले पार्ट में अपनी फ्रिल को रखना है और इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए चले जाना है, पूरा राउंड कर देना है। देखिए इस तरह से आप राउंड करते चले जाइए। यहाँ पर देखिए मैंने पूरी फ्रिल लगा ली हुई है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम अपने दूसरे वाले कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, तो आपको इस बात का, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जो जो फ्रिल है वो अंदर रहनी है, और ऊपर जो सिलाई लगाएंगे वो हमें ऊपर को रखनी है और फ्रिल को हमें अंदर रख देना है। और इस तरह से हमें ये पूरे पार्ट में, मतलब पूरा राउंड कर देना है, बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा, आपको हम दिखा देंगे, ओपन रखना है कि कहाँ पर। ये देखिए मैंने इतना सा ओपन रखा है, आप ज़्यादा मत रखिएगा, आप भी इतना रखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से सीधा कर सकें। ये देखिए यहाँ पर हम अच्छे से इस कपड़े को सीधा कर रहे हैं, यानी कि अंदर से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा कपड़ा अच्छे से बिल्कुल सीधा हो गया, और ये फ्रिल भी हमारी देखिए आ गई, और हमारी सिलाई किसी भी पार्ट में नहीं है। तो जो हमें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक लेस ली है, तो लेस हमें जो अंदर वाला जो प्लेन वाला पार्ट है उसमें लगानी है, और ये हमारा ऊपर आएगा, आप देख लीजिए
लेस जो है हमारी येलो वाले पार्ट में, हम यानी कि आपका कोई भी कलर हो सकता है, तो प्लेन वाला कपड़ा जो है उसमें आप लगाएंगे, और इसे भी हमें पूरा राउंड लगा देना है, और जो मैंने यहाँ पे ओपन रखा था उसको आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैं हम लोग ने यहाँ पर मार्किंग करी थी इस राउंड को, ये यहाँ पे एक पूरी हम लोग इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगा ली, और जो मैंने 1 इंच का मैंने दो कटिंग की थी, तो एक तो यहाँ पर सिलाई में अब चली गई है, जो दूसरी वाली है उस पर भी हम लोग 1 इंच पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इसको भी पूरा राउंड कर देंगे। यहाँ पर ये सिलाई हम लोग पूरी राउंड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ये पार्ट बना लिया हुआ है, अब मैंने ये जो बीच में सिलाई थी वो भी लगा दी हुई है। अब हम लोग इसमें कॉटन रेडी करेंगे, तो ये आप देखिए यहाँ पर अच्छे से पूरा ये रेडी हो गया, हमारा बेल भी लग गई है, और ये जो डोरी देख रहे हैं आपको इस तरह की एक डोरी बना लेनी है, ठीक है। तो जो 1 इंच वाली जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से उसमें डालना है। तो देखिए आपको कैसे, यहाँ से हमने देखिए हल्का सा ओपन रखा था, इससे इस तरह से हम इसमें पूरी डोरी डाल देंगे अपनी। डोरी काफ़ी लंबी है तो मैं इसकी इंच नहीं बता रही, आप अपने हिसाब से डोरी बना सकते हैं, जितना भी है उससे एक्स्ट्रा ही लेना है। अब ये वाले पार्ट में हमें क्या करना है, कॉटन डालनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिल करके मैंने यहाँ पर देखिए सारी कॉटन डाल दी, और ये बीच वाले पार्ट में भी अंदर रख दी हुई है, और इस वाले पार्ट में ज़्यादा है और बीच वाले पार्ट में कम है। तो आप देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। आप क्या करेंगे, और इस तरह से हम अपनी डोरी को हल्का हल्का खींचेंगे, हल्का हल्का सा खींचना है इसको, देखिए आप। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा बेबी नेक्स्ट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और भी मैंने यहाँ पर इस तरह के हमारे और भी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर बेबी का फुल कवरेज सब सब